डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। तो पहले क्वेश्चन में हमें दिया है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फर्स्ट 135 एंड 225, सेकंड 196 एंड 38220, थर्ड 867 एंड 255। तो सबसे पहले तो यहां पर हम लिख लेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ये हो रहा था a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेर a इज डिविडेंड, b इज डिविजर, q इज कोशेंट एंड r इज रिमाइंडर। ठीक है, अभी सबसे पहला देखते हैं 135 एंड 225। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि इस तरीके के एग्जांपल हो तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें देखना है कि इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इन दोनों में 225 बड़ा नंबर है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, तो अभी हमें क्या करना है, 225 डिवाइडेड बाय 135। सो 135 सो 5 - 5 0, 12 - 3 9 एंड 1 - 1 0। ठीक है, सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिविडेंड 225 इज इक्वल्स टू डिविजर 135 मल्टीप्लाई बाय कोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर 90। यहां पर देखिए रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, सो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये प्रोसेस हमें आगे बढ़ानी है, किसके लिए, तो डिविजर 135 और रिमाइंडर 90 के लिए। हम क्या करेंगे, 135 डिवाइडेड बाय 90, सो 90 1 90, 5 - 0 5, 13 - 9 4 और यहां पर 0। सो 135 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर 45। अभी भी देखिए रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, सो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये प्रोसेस हमें और आगे बढ़ानी है, किसके लिए बढ़ानी है, तो डिविजर 90 और रिमाइंडर 45 के लिए। सो हम करेंगे 90 डिवाइडेड बाय 45, 45 टू जा 90, सो रिमाइंडर बचेगा 0। सो 90 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो अभी देखिए यहां पर रिमाइंडर 0 हो रहा है, ठीक है, और इस वक्त डिविजर क्या है हमारा 45, तो यही हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हम लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो अभी देखते हैं सेकेंड एग्जांपल। यहां पर हमें क्या दिया है, 196 एंड 38220। तो देखिए यहां पर बड़ा नंबर कौन सा है, 38220, सो हम क्या करेंगे, 38220 डिवाइडेड बाय 196, 196 1 जा 196, 12 - 6 6, 17 - 9 8 एंड 2 - 1 1, ऊपर से 2 आ जाएगा, सो हम 196 9 जा चेक करते हैं क्या होता है, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 प्लस 5 86, 9 1 जा 9 प्लस 8 17। ठीक है, सो 196
9 is 1764. 12 minus 4, 8. 15 minus 6, 9. 7 minus 7, 0. 1 minus 1, 0. ऊपर से क्या आएगा? 0. तो 196, 5 जा चेक करते हैं. So 5, 6 जा 30. 5, 9 जा 45 plus 3, 48. 5, 1 जा 5 plus 4, 9. So 980 हो रहा है. तो यहां पर हम लिखेंगे 5 minus 980. So remainder बचेगा 0. So हम ऐसा लिख सकते हैं कि dividend 38,220 is equals to divisor 196 multiply by quotient 195 plus remainder यहां पर क्या है? 0. So remainder is equals to 0. Remainder 0 मिल रहा है तो हमें यहां पर रुक जाना है. और उस वक्त डिवीजर क्या मिल रहा है? 196. तो वही हो जाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220 इज इक्वल्स टू 196. ठीक है. अभी देखते हैं थर्ड एग्जांपल. 867 and 255. So यहां पर बड़ा नंबर कौन सा है? 867. So since 867 is greater than 255, हम क्या करेंगे? 867 divided by 255. 255 3 जा चेक करते हैं. So 3 5 जा 15. 3 5 जा 15 plus 1 16. 3 2 जा 6 plus 1 7. 765. So ऊपर यहां पर आएगा 3 minus 765. 7 minus 5 2. 6 minus 6 0. 8 minus 7 1. So हम लिखेंगे dividend 867 is equals to divisor 255 multiply by quotient 3 plus remainder 102. Okay. अभी यहां पर देखिए remainder 0 नहीं हो रहा है. Remainder is not equals to 0. तो ये प्रोसेस हमें आगे बढ़ानी होगी. किसके लिए? तो divisor 255 और remainder 102 के लिए. So 255 divided by 102. तो देखिए 102 2 जा 204 होता है. 5 minus 4 1. 5 minus 0 5. 2 minus 2 0. So 255 is equals to 102 multiply by 2 plus 51. Okay. अभी भी देखिए remainder 0 नहीं हो रहा है. Remainder is not equals to 0. तो ये प्रोसेस हमें आगे बढ़ानी है. किसके लिए? तो divisor 102 और remainder 51 के लिए. So 102 divided by 51. देखिए 51 2 जा 102 होता है. So यहां पर remainder बचेगा 0. So 102 is equals to 51 multiply by 2 plus 0. तो यहां पर remainder 0 हो रहा है. Okay. तो हमें यहां पर रुक जाना है. और उस वक्त divisor क्या है? 51. So HCF of 867 and 255 is equals to 51. Okay. तो अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर. यानी कि हमें प्रूव ये करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q plus 1 या फिर 6q plus 3 या फिर 6q plus 5 के फॉर्म में हो सकता है जहां पर q कोई इंटीजर है. तो ये चीज हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से प्रूव
कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिदम, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेर जीरो लेस देन और इक्वल्स टू आर लेस देन बी. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल्स टू. तो देखिए क्यू के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में हो वो बी की वैल्यू होती है, तो यहां पर क्यू के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है 6, सो बी की वैल्यू हम लेंगे 6. सो आर इज इक्वल्स टू, तो आर की वैल्यू 0 से लेकर हम कहां तक ले सकते हैं 5 तक, क्योंकि उसकी वैल्यू बी से छोटी होनी चाहिए और बी की वैल्यू है 6. सो आर की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5. ओके, सो इफ आर इज इक्वल्स टू 0, तो यहां पर हम बी और आर की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या होगा a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 0 इज इक्वल्स टू 6q. अभी देखिए 6q जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि विच इज डिविजिबल बाय 2. ओके, नाउ इफ r इज इक्वल्स टू 1, सो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 1, तो इसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे. सो यहां पर हम लिखेंगे कि नॉट डिविजिबल बाय 2. ओके, नाउ इफ r इज इक्वल्स टू 2 देन a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 2, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे. सो यहां पर हम लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 2. इफ r इज इक्वल्स टू 3 देन a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3, तो देखिए इसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, सो विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2. नाउ इफ r इज इक्वल्स टू 4 देन a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 4, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 2. नाउ इफ r इज इक्वल्स टू 5 देन a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5, तो इसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, सो यहां पर हम लिखेंगे कि नॉट डिविजिबल बाय 2. ठीक है, अभी देखिए 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, यानी इसका मीनिंग हम इसे 2 से डिवाइड तो कर सकते हैं लेकिन यहां पर हमें 0 के अलावा कोई ना कोई रिमाइंडर मिल रहा है, तो ऐसे में मैंने लिखा है कि नॉट डिविजिबल बाय 2, और जिसमें रिमाइंडर 0 मिलेगा उसमें मैंने लिखा है डिविजिबल बाय 2. अभी सिर्फ 2 से ही क्यों डिवाइड किया, तो हमें ऑड नंबर और इवन नंबर का कंसेप्ट यहां पर लागू करना है. ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो इवन नंबर होगा, और अगर किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो वो ऑड नंबर होगा. तो अभी देखिए यहां पर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 वो 2 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है, यानी कि वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 2 से डिविजिबल है, यानी कि वो पॉजिटिव इवन इंटीजर है. तो हमें प्रूव क्या करना था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा. ठीक है, तो वो चीज यहां पर प्रूव हो रही है. सो हम यहां पर लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव. ठीक है, तो अभी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है
कि एन आर्मी कंटिनेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड. द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है. तो यहां पर जो आर्मी कंटिनेंट है उसमें 616 मेंबर्स है और आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स है. ओके अभी हमें मार्च किस तरीके से करवानी है, तो दो ग्रुप्स में और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में. यानी हमें फाइंड क्या करना होगा, एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32, जिससे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. ठीक है, तो ये चीज हम अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, वो हमें पता है कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. ठीक है, अभी ऐसे एग्जांपल्स हमने आगे देखे हैं. सबसे पहले क्या करना होता है, तो इन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है वो हमें फाइंड करना है. तो इन दोनों में से 616 बड़ा नंबर है. सो सिंस 616 इज ग्रेटर देन 32, हम क्या करेंगे, 616 डिवाइडेड बाय 32. सो 32 वंस आर 32, 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 3 2, ऊपर से 6 है. अभी हम चेक करते हैं 32 9 जा 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 प्लस 1 28. सो 32 9 जा 288, 16 माइनस 8 8, 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 2 0. सो यहां पर हमें क्या मिला, डिविडेंड 616 इज इक्वल्स टू डिविजर 32 मल्टीप्लाई बाय कोशेंट 19 प्लस रिमाइंडर 8. ठीक है, तो यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, तो ये प्रोसेस हमें आगे बढ़ानी होगी. किसके लिए, तो डिविजर 32 और रिमाइंडर 8 के लिए. सो 32 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 4 जा 32 होता है, सो रिमाइंडर आ जाएगा 0. सो 32 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0. सो यहां पर हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है. ठीक है, तो उस वक्त हमारा डिविजर क्या है, 8. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि HCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल्स टू 8. ओके, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज 8. ठीक है, तो अभी देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m. यानी कि हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से ऐसा प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है जहां पर m कोई इंटीजर है. तो देखिए ये चीज हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से प्रूव करनी है. तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेर 0 लेस देन और इक्वल्स टू r लेस देन b. यहां पर हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू, तो सीधी सी बात है यहां पर b क्या हो जाएगा, 3.
सो आर इज इक्वल्स टू, तो इस कंडीशन के हिसाब से आर की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 and 2. नाउ फर्स्ट इफ आर इज इक्वल्स टू 0, तो देखिए यहां पर क्या होगा, ए एज इट इज बी की जगह 3, क्यू एज इट इज प्लस आर की जगह 0, सो ए इज इक्वल्स टू 3q. लेकिन हमें तो क्या करना है कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर लेना है, तो दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं. सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर. ओके, सो इज इक्वल्स टू, देखो 9 को 3 3 9 ऐसा बोल सकते हैं, तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3q स्क्वायर. नाउ लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू m, सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m. ओके, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1. नाउ इफ r इज इक्वल्स टू 1, सो यहां पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1. लेकिन हमें तो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर लेना है, सो दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं. सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर. सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए यहां पर कैसे होगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो उसके हिसाब से यहां पर 3q का स्क्वायर क्या होगा, 9q स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3q मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1. अभी देखिए पहले दोनों टर्म्स में से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूं, सो 3 कॉमन निकालने के बाद यहां पर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर, और यहां पर क्या बचेगा प्लस 2q, ये प्लस 1 एज इट इज. ओके, नाउ लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल्स टू m. सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू m प्लस 1. तो इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2. नाउ थर्ड, इफ r इज इक्वल्स टू 2, सो a इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3q प्लस 2. अभी हमें तो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर लेना है, सो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं. सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर. तो इसके हिसाब से यहां पर स्क्वायर क्या होगा, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, सो 2 3 6 2 12 q प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 इज इक्वल्स टू, हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि 9q स्क्वायर प्लस 12q एज इट इज प्लस जो 4 है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, 3 प्लस 1. ठीक है, तो ऐसा क्यों किया, तो मुझे यहां से 3 कॉमन निकालना है इसलिए. ठीक है, तो यहां पर से मैं 3 कॉमन निकल रहा हूं, तो यहां पर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस यहां पर बचेगा 4q प्लस यहां पर बचेगा 1 प्लस 1 एज इट इज. नाउ लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल्स टू m. सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू m प्लस 1. इसे बोल देते हैं इक्वेशन 3. तो देखिए हम इक्वेशन 1 2 और 3 की मदद से ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है. ओके, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ any positive integer is either of the form
3m और 3m plus 1 4 सम इंटीजर m। ठीक है, अभी देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से हमें ऐसा प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m, 9m plus 1 या फिर 9m plus 8 के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेर जीरो लेस देन और इक्वल्स टू आर लेस देन बी। ठीक है, अभी पिछले एग्जांपल की तरह हम यहां पर सबसे पहले क्या लेंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो यहां पर इस कंडीशन के हिसाब से आर की वैल्यू क्या हो सकती है 0, 1 एंड 2। नाउ फर्स्ट इफ आर इज इक्वल्स टू 0, सो यहां पर ए एज इट इज बी की जगह 3, क्यू एज इट इज प्लस आर की जगह क्या आएगा 0, सो ए इज इक्वल्स टू 3q। लेकिन हमें तो पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड क्यूब ले लेंगे। सो ए का क्यूब इज इक्वल्स टू 3q का क्यूब। सो ए क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होगा 3 का क्यूब 27 इंटू क्यू क्यूब। ठीक है, अभी हमें किसके फॉर्म में बताना है 9 के फॉर्म में बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 27 के ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिसमें 9 आ रहा हो। सो 9 3 सा 27 होता है, तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाई बाई 3q क्यूब। सो नाउ लेट 3q क्यूब इज इक्वल्स टू m। सो a क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 3q क्यूब की जगह m। सो a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m। इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1। नाउ सेकेंड इफ r इज इक्वल्स टू 1, सो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3q plus 1। लेकिन हमें तो पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब लेना है, सो दोनों साइड क्यूब ले लेते हैं। सो a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q plus 1 होल क्यूब। सो a क्यूब इज इक्वल्स टू, यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल क्यूब का, वो फॉर्मूला हमारे पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² ओके, अभी देखिए यहां पर a की जगह क्या है 3q और b की जगह क्या है 1। सो a का क्यूब यानी 3q का क्यूब वो तो हमने यहां पर किया था, क्या था 27q³ प्लस b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, तो वो तो क्या होगा 1 प्लस 3 इंटू a² यानी 3q का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी यानी कि 1। 3q का स्क्वायर होगा 9q², सो 3 मल्टीप्लाई बाय 9q² मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा 3 9 27q², सो 27q² प्लस 3ab² यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय a यानी कि 3q मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9q, सो प्लस 9q। ओके, सो a क्यूब इज इक्वल्स टू, इसे मैं अलग तरीके से लिखता हूं कि 27q³ प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो प्लस 1 है वो मैंने आखिर में लिखा है और ये दोनों टर्म्स को मैंने आगे लिखा है। ठीक है, अभी देखिए हमें यहां पर 9 के फैक्टर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे ये जो पहले 3 टर्म्स है उसमें से 9 को कॉमन निकाल लेते हैं। सो 9 तो अंदर क्या बचेगा 3q³ प्लस 3q² प्लस q
प्लस वन एज इट इज. सो अभी हम क्या करेंगे कि इफ 3q³ प्लस 3q² प्लस q इज इक्वल्स टू m, देन a³ इज इक्वल्स टू क्या होगा 9m प्लस 1 एज इट इज. सो a³ इज इक्वल्स टू 9m प्लस 1, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2. ओके, नाउ इफ r इज इक्वल्स टू 2 देन a इज इक्वल्स टू क्या होगा 3q प्लस 2. लेकिन हमें तो पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब चाहिए, सो दोनों साइड क्यूब ले लेते हैं. सो a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब. ओके, सो a क्यूब इज इक्वल्स टू सेम इसी फॉर्मूला की मदद से हम इसे सॉल्व करते हैं. यहां पर a की जगह 3q है और b की जगह 2 है. तो देखिए a क्यूब तो वो तो हमने यहां पर किया था 27q³ प्लस b क्यूब तो 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी यानी कि 2. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 9q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2. सो 3 2 जा 6, 6 9 जा 54 q स्क्वायर. सो प्लस 54 q स्क्वायर और लास्ट टर्म 3ab स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर. So, यहां पर होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3q मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4. सो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36q. ओके, इसे मैं यहां पर अलग तरीके से लिख रहा हूं कि a क्यूब इज इक्वल्स टू 27q³ प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8. मैंने कुछ नहीं किया, 8 को मैं लास्ट में ले गया और ये दोनों टर्म्स मैंने पहले लिख लिए. अभी यहां पर भी देखो 9 के फॉर्म में चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले तीनों टर्म्स में से 9 कॉमन निकाल लेते हैं. सो 9 इंटू यहां पर क्या आएगा 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8 एज इट इज. ओके, नाउ लेट 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q इज इक्वल्स टू m. सो a क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 इंटू m प्लस 8 एज इट इज. सो a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस 8, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 3. तो हम इक्वेशन 1, 2 और 3 की मदद से ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसका क्यूब या तो 9m या तो 9m प्लस 1 या तो 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा. सो हेंस प्रूव्ड. ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.